एक बार फिर से स्वागत है सभी लोगों का। आपको पता होगा कोविड-19 वजह से, एक बार महामारी की वजह से फिर हुआ सब्जेक्टों में हेर फेर। मतलब कि आपको पता हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, 30% फिर से हुआ कम। आज मैं बताऊंगा कि जीव विज्ञान में क्या क्या हुआ कम, कौन कौन से इकाइयों से कितना काटा गया और कौन कौन से अध्याय से कितना काटा गया। सिर्फ आपको पढ़ना है 70% जैसे कि पिछले सत्र में था और इस सत्र में भी 21-22 के सत्र में। हाँ जी सुन लो, 21-22 के सत्र में फिर हुआ 30% कम। आपको सिलेबस पूरा नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ 70% पढ़ना होगा। और 70% में किस अध्याय में, किस इकाई में, किस अध्याय से कितना काटा गया, मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल से। और सुनते रहिए ध्यान से, बस आप 70% पढ़ने की ही कोशिश करें, नहीं तो फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो देखिए आ जाएंगे जीव विज्ञान में, और जीव विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ने वाले, देख लो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। देखिए कोविड-19 महामारी की वजह से 21-22, यहां पे ध्यान दो, 21-22 में समय से विद्यालय में पठन पाठन का कार्यक्रम ना होने की वजह से 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है, मतलब हट चुका है, ठीक है। चलिए पहला इकाई नंबर 1, जनन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में देखिए हम लोग पढ़ते हैं कितना, तीन तीन चैप्टर पढ़ते हैं और तीन चैप्टर में कौन कौन सा नहीं आ रहा है। तो पहला अध्याय है जीवों में जनन, जीवों में जनन नहीं आ रहा है, इसको कट कर दो भैया, ठीक है। दूसरा, दूसरे पे आते हैं, ध्यान दो, जीवों में जनन नहीं आ रहा है। दूसरा नंबर है इकाई टू, ठीक है ना। इकाई टू में, इकाई वन में कौन सा चैप्टर, देखिए इकाई वन में जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में जनन, मानव में जनन, जनन स्वास्थ्य है, ठीक है। तो एक अध्याय नहीं आ रहा है, कौन सा अध्याय नहीं आ रहा है, जीवों में जनन, बाकी शेष तीन आ रहे हैं, ठीक है। इकाई टू में अनुवांशिकी और विकास, जेनेटिक एंड एल्यूशन, जेनेटिक और एल्यूशन इकाई है, इसमें कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है, ध्यान दो, ये इकाई का नाम है, ये इकाई का नाम है, चैप्टर कौन सा नहीं आ रहा है, एल्यूशन विकास नहीं आ रहा है बल्कि अनुवांशिकी आ रहा है, समझ रहे ना। ये इकाई का नाम है मेरे भाई, चैप्टर का नाम है विकास, तो विकास नहीं आ रहा है, एल्यूशन नहीं आ रहा है। एल्यूशन में देखिए बहुत सारे हम लोग पढ़े थे ना भाई, पढ़ चुके, जीवन की उत्पत्ति, जय विकास, जय विकास के प्रमाण, पूरा जीवित और भौरों की, और इसमें डार्विन का योगदान, विकास की क्रियाविधि, विभिन्नता, ये सब पढ़ चुके, ये सब कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरी बात आते हैं इकाई नंबर 3 पर, ठीक है ना, यूनिट 3 पर आएंगे। तो यूनिट 3 में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, यूनिट 3 देखिए जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जीव विज्ञान और मानव कल्याण में कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है, यह बात आपको ध्यान देना। चैप्टर कौन सा नहीं आ रहा, खाद्य उत्पादनों में वृद्धि एवं कार्य नीति, यह चैप्टर नहीं आ रहा है, यह चैप्टर नहीं आ रहा मेरे भाई। ये चैप्टर में कौन कौन से है, सुधार, पादप प्रजनन, ऊतक संवर्धन, एकल कोष की प्रोटीन, और इसमें मधुमक्खी पालन, पशुपालन, हस्बेंड्री, ठीक है, ये सब नहीं आ रहा है, ध्यान देना। और इसमें आ रहा है सूक्ष्म जीव, आ रहा है, समझ रहे ना, कुछ चैप्टर आ रहा है, कुछ चैप्टर इसमें गायब कर। आगे हम चलते पांचवी इकाई में, पांचवा इकाई कह रहा है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पांचवा इकाई, अब इकाई में इसमें कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा, तो परितंत्र नहीं आ रहा, ये अध्याय है भैया, ठीक है ना, और ये है इकाई, ठीक है। तो ये परितंत्र नहीं आ रहा, परितंत्र को कैंसिल कर दो, एकदम से कैंसिल कर दो। इसमें देखिए टॉपिक है संरचना, घटक, उत्पादक, अब घटक, ऊर्जा प्रवाह, परिस्थिति की पिरामिड, जीव संख्या, भार एवं ऊर्जा के पिरामिड, पोषक चक्र, कार्बन चक्र और
वाटर चक्र, इसमें बहुत सारे फास्फोरस चक्र, तो ये सब नहीं आ रहा। पर्यावरण के मुद्दे इसमें भी प्रभावित है, पर्यावरण के मुद्दे भी नहीं आ रहा है, ये भी हटाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, देखिए इसमें कुछ प्रयोग भी पाठ्यक्रम से हटाए गए और इसमें हम लोग आगे चलेंगे, यहां पर आ जाएंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि ये सारा जो है कौन कौन सा नहीं हटा है, इसको देखिए साफ साफ बता रहा। और दूसरी बात, कौन कौन सा चैप्टर आएगा, तो कौन कौन सा चैप्टर आएगा, देखिए जनन इकाई, इकाई में, ठीक है, इकाई में जनन आएगा, इसमें आएगा भैया पुष्पी पादपों में और मानव दोनों आएगा, समझ है ना। दूसरा इकाई यहां पे देखिए नंबरिंग दिया है, 18 नंबर का है अनुवांशिकी, और विकास कटा है, विकास कटा है, ये कटा है अनुवांशिकी में सीधा सीधा 18 नंबर, आप पढ़ करके आप पा सकते, बहुत सिंपल, ठीक है। कितना चांस है, विकास हट गया, सिर्फ आपको जेनेटिक्स और डीएनए पढ़ना है, ठीक है, इससे सिर्फ सिर्फ दो चीज पढ़ लो, कितना भयानक आ जाएगा, ठीक है। और ये सारे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह ये सब आ रहे हैं, और देखिए इसमें कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है भैया, देख लो 14 नंबर में कौन कौन सा आ रहा है, जनन, और चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में जनन, ये सब पढ़ाया गया, एक डिटेल से एक बार फिर से पढ़ लेना बेटा, और इसका सब कुछ मैं बता दूंगा फिर से, आपका लोग कहेंगे तो ये सब नहीं आ रहा। दूसरी बात आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, मानव जनन, दूसरा चैप्टर देखो मानव जनन, ये आ रहा है, मानव जनन पूरा पढ़ लो, बहुत मस्त, एकदम सिंपल है, चित्र ज्यादा आता है इसमें। और फिर इसमें हम लोग आ जाएंगे जनन और स्वास्थ्य, ये चैप्टर चौथा इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अनुवांशिकी में, अनुवांशिकी में मेंडल, ठीक है, मेंडल उंडल का प्रयोग पढ़ डालो इसमें, और सब कुछ पढ़ डालो ये सब, और दूसरा चैप्टर इसका है, ठीक है ना, अनुवांशिकी और विकास का, वंशगत के आणविक आधार, यानी डीएनए और आरएनए, सिर्फ डीएनए और आरएनए चैप्टर पढ़ डालो, फिंगरप्रिंटिंग तक, बस मजा आ जाएगा भाई कसम से। आगे चलो, जे विकास और मानव कल्याण में देखिए मानव स्वास्थ्य एवं रोग है, बहुत सारे डिजीज पढ़ना है आपको, ये बात आप समझना, मानव स्वास्थ्य एवं रोग आपको पढ़ना ही पड़ेगा, टाइफाइड कैसे होता है, जुकाम कैसे होता है, स्कैरिस रोग कैसे होता है, बहुत सारे कैंसर, टीबी, एचआईवी, एड्स वगैरह, ड्रग्स और एल्कोहल, ये सब आएगा, ठीक है। दूसरी बात आते हैं मानव कल्याण, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव आएगा भैया, सूक्ष्म जीव में हम लोग बैक्टीरिया, वाहित मल उपचार, ऊर्जा उत्पादन, जैव विकास के रूप में ये सारी बात पढ़ेंगे। और अगला पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी और उनके प्रयोग, ये है, ठीक है, ये पिछली बार भी था, अब की बार भी है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, दोनों है, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी और उनके एप्लीकेशन, अनुप्रयोग दोनों है, ठीक है, इसको भी आपको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पांचवा इकाई में, पांचवा इकाई में जीव और पर्यावरण है, ठीक है ना, जीव और पर्यावरण चैप्टर है, ये है आपको पढ़ना पड़ेगा, जीव और पर्यावरण, वास स्थान, इसमें परभक्षण, स्पर्धा, ये बहुत सारी, सहोपकारिता, ये सब आएगा। ये चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण, इसमें भी आएगा विविधता, संकल्पना विविधता के प्रतिरूप और महत्व, संकट ग्रस्त जाति, हॉट स्पॉट, विलुप्त, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर, ये सारी चीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं, और प्रयोग में क्या क्या है, देखिए प्रयोग क्या करना है, स्लाइड पर पराग अंकुरण का अध्ययन करना है। दूसरी बात है कम से कम दो स्थानों को मृदा लेकर के उसके नमी, बनावट, उसके मिट्टियों की बनावट, ठीक है ना, और उसमें पौधे उगने की क्षमता और जल धारिता की क्षमता, कितना जल इकट ले सकता है, ये सारी बात। अपने आसपास के दो अलग अलग जलाशय, अपने आसपास के दो अलग अलग तालाबों का पानी ला करके उसमें शुद्धता नापना है, कितना पीएच वगैरह होता है, समसूत्र, ये सब पिछली बार कराया गया होगा ना, हाँ तो कराए थे हम लोग, तो ये बताए समसूत्र विभाजन के अध्ययन के, प्याज का मूलाग्न मूल की स्थायी स्लाइड बनाना, स्टार्च पर लाल एमाइरेज की सक्रियता, ठीक है, और इसमें है उपलब्ध, ठीक है, उपलब्ध पादक सामग्री, पालक, हरी मटर, पपीता आदि के डीएनए को पृथक करना, ये है, ठीक है। और इसमें है स्पॉटिंग के लिए बहुत सारा दिया गया है,
कीटों के लिए स्पॉटिंग है, परागकणों के लिए स्थायी स्लाइड की सहायता से विषण और अंडाशय के अनुपस्थित में युग्म परिवर्तन के विभिन्न स्थायी स्लाइड आपको लैब में खुद स्थायी स्लाइड होती है उसको टीचर आपको खुद दिखाएगा कि कैसी कौन स्लाइड है इसके विषण और अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का। स्थायी स्लाइड की सहायता से प्याज के मुकुल कोशिका व टिड्डे के विषण में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन। आपके बायोलॉजी के टीचर जो स्कूल वाले होंगे ये आपको दिखाएंगे, स्थायी स्लाइड बनी रहती है और लैब में रखा रहता है, आपको वो अलग अलग स्लाइड करके आपको पूरा डिटेल समझाएंगे। ओके चलो, स्थायी स्लाइड की सहायता से स्तनधारी बेस्टुला के अनुपस्थित ये आपको सब मिलेगा, ठीक है ना, और ये सब आपका है प्रयोग में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग एकदम से बस तैयारी में जुट जाइए, 70% है और 70% में आप लोग क्या करेंगे, जुट जाइए, एकदम मन लगा करके जुट जाइए। और कोई भी ये मत सोचो कि जैसे पिछले बार हुआ था अब की बार भी हो जाएगा, सर 70% है फिर चला जाएगा सिलेबस और फिर कहीं कोरोना आ जाए तो मजा आ जाए फिर से मार्कशीट ले ले। नहीं बेटा एक बात समझ लो, मुझे तो बड़ा दया लगती है इसमें जो सिलेबस हम लोग अभी डिस्कस किए इसमें बेटा, जानते बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो हम लोग जो है कुछ बच्चे जो पिछले साल भी नहीं पढ़े अब की साल भी नहीं पढ़ेंगे। आए बाप रे, वो तो बेचारे दोनों साल चले गए ना, दोनों तरीके से चले गए, बहुत सारे चैप्टर पिछले बार भी वही कटे थे, ठीक है। तो अब बताओ उनको बेचारे कि क्या पता है, अब की पिछले साल वाले बच्चों को भी नहीं पता था, अब की साल वालों को नहीं पता था, पिछले वाले तो चलो पेपर ही नहीं दिए जाने दो, अब की बार तो पेपर देंगे वो बेचारे कि बताओ, दो दो साल वही काट रहा है, मतलब वो चैप्टर ही काट रहा है, तो वो बेचारा कभी सुनेगा नहीं, बताओ हाई स्कूल तक नहीं सुना, हाई स्कूल तक नहीं सुना, इंटर में नहीं सुना, अब वो कहां सुनेगा, वो तो उसको तो पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन बस मैं यही कहूंगा कि आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई बात नहीं, परिस्थितियां सबको जीना सिखा देती है, हमको और आपको सबको, तो परिस्थिति के अनुकूल रहिए, जैसे परिस्थिति जिस सिचुएशन में जा रही है उसी तरह आप भी अनुकूल हो जाइए। ज्यादा विरोध करोगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे, जिस पर्यावरण पर्यावरण जिस तरह एटमॉस्फेयर है उसी एटमॉस्फेयर में ढलने की कोशिश करिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा सदैव के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।